की मांग को लेकर आंदोलनरत किसान 11वें दिन अनिश्चितकालीन चक्का जाम के तहत सड़कों पर आ गए। किसानों ने सीकर जिले में 361 स्थानों पर चक्का जाम लगाया। दोपहर को जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने किसान नेताओं को फिर से सोमवार शाम 5 बजे जयपुर स्थित कृषि भवन में वार्ता का न्योता दिया, लेकिन किसान नेताओं ने समय कम होने का तर्क देते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब मंगलवार शाम 5 बजे जयपुर में वार्ता होने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव पर किसान नेता भी राजी हो गए हैं। इधर किसान नेता व पूर्व विधायक अमरा राम ने मंगलवार को प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया है। सीकर में चक्का जाम होने के कारण 10 जिलों के लोग परेशान रहे। जगह जगह बस, कार, जीप चालक जाम में फंसे रहे। किसान नेता अमरा राम ने बताया कि मंगलवार को पूरे प्रदेश में चक्का जाम लगाया जाएगा। इसके लिए कई किसान संगठनों ने समर्थन दिया है। राजपा नेता किरोड़ी लाल मीना व हनुमान बेनीवाल ने भी चक्का जाम को समर्थन देकर तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के नाम पर नाटक कर रही है, इस कारण पूरे प्रदेश की जनता परेशान हो रही है। इधर नरेश कुमार ठकरवाल ने बताया कि किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए शाम 5 बजे जयपुर स्थित कृषि भवन जाना था, लेकिन किसान नेताओं ने सोमवार के बजाय मंगलवार को वार्ता कराने की बात कही। रास्ते